सो हेलो व्यूवर्स, ई टेट्रा गैजेट्स के एक और नए फ्रेश वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 80,000 रुपीज के बजट रेंज पे 5 बेस्ट गेमिंग लैपटॉप्स। तो अगर आप भी कोई एक ऐसा गेमिंग लैपटॉप खरीदना चाहते हो जो कि आप 80,000 रुपए में खरीद पाओ, और आप अभी भी कंफ्यूज्ड हो कि मैं कौन सा खरीदूं, तो आपकी इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। यहाँ पे पांचों ही लैपटॉप्स अपनी अपनी प्राइस रेंज के हिसाब से काफी बेस्ट परफॉर्मेंस दे देते हैं आपको। तो अगर आप अपने पैसों को बचाना चाहते हो और अपनी कंफ्यूजन को हटाना चाहते हो, देन वीडियो को पूरा जरूर देखना। सभी लैपटॉप्स की लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां से जाके आप डायरेक्टली इनको परचेज कर सकते हैं। और गाइज, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इसी तरह की गैजेट्स से रिलेटेड वीडियोस आपको ईटेट्रा गैजेट्स पर देखने को मिल जाती हैं। तो गाइज, चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, ASUS TUF Gaming A15। गाइस, ASUS की टफ सीरीज की तरफ से आने वाला ये लैपटॉप आपको 78,990 रुपीज में देखने को मिल जाता है Amazon के ऊपर। यहाँ पे बात करूँ इसके कुछ फीचर्स के बारे में, तो सबसे पहले तो आपको एक फुल HD डिस्प्ले मिल जाती है 15.6 इंचेस की, जो कि आपको 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट देती है। इसके अलावा आपको यहाँ पे Ryzen 7 4800H वाला देखने को मिल जाता है। GTX 1650 Ti ग्राफिक्स मिल जाती है, जो कि 4GB रैम के साथ में आती है। यहाँ पे 8GB की रैम और 1TB की स्टोरेज मिल जाती है। उसके अलावा 256GB की SSD स्टोरेज आपको देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर ये जो लैपटॉप है, बिल्ड क्वालिटी में अगर देखो या फिर इसके लुक्स देखो, बिल्कुल गेमिंग और प्रीमियम देखने को मिलते हैं। कीबोर्ड में आपको RGB इफेक्ट्स मिल जाते हैं। यहाँ पर डुअल मॉनिटर का सपोर्ट और लगभग सभी तरह के पोर्ट्स आपको इस लैपटॉप में देखने को मिल जाते हैं। सो गाइस, इस प्राइस रेंज के हिसाब से अगर आप ASUS की तरफ से कोई लैपटॉप चाहते हो, देन वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप आपको देखने को मिलता है, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल चुका हूँ, जहाँ से आप डायरेक्टली इसको जाके परचेज कर पाओ। नंबर 2, Dell G3 3500। गाइस, Dell की तरफ से आने वाला ये लैपटॉप आपको 75,590 रुपीज के प्राइस रेंज पर देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे बात करूँ इसके फीचर्स की, तो सबसे पहले तो आपको 15.6 इंचेस की एक फुल HD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। साथ में आपको i5 मिल जाता है 10th जनरेशन वाला। इसके अलावा 8GB की रैम दी हुई है, 1TB की स्टोरेज है, और साथ में आपको 256GB की एक एडिशनल SSD मिल जाती है। अभी ये जो लैपटॉप है, इसमें आपको NVIDIA की तरफ से 1650 Ti ग्राफिक्स मिल जाती है, जो कि 4GB रैम के साथ में आती है। गाइस, Dell की तरफ से आने वाला ये लैपटॉप एकदम स्लीक एंड स्टर्डी लुक में आता है, जो कि इसकी गेमिंग एक्सपीरियंस को काफी बेटर बना देता है। यहाँ पे सभी तरह के आपको पोर्ट्स मिल जाएंगे और एक गेम शिफ्ट वाली टेक्नोलॉजी मिल जाती है, जहाँ पे अगर आपकी क्रिटिकल सिचुएशन आ जाती है गेमिंग में, तो आप उस बटन को दबाकर इसका जो प्रोसेसर है उसको टर्बो बूस्ट पे ले जा सकते हो। सो गाइस, Dell की तरफ से लगभग 76,000 रुपीज के अंदर आपको ये काफी बेस्ट लैपटॉप मिल जाता है। सो अगर आपको ये वाला लैपटॉप लेना है, देन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहां से जाके आप इसको डायरेक्टली परचेज कर पाओगे। नंबर 3, Lenovo Legion 5i। गाइस, Lenovo Legion की तरफ से आने वाला ये लैपटॉप आपको 80,990 रुपीज के प्राइस रेंज पर मिलता है। अभी गाइस 1,000 रुपए ज्यादा 80,000 से, बट यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करूँ, तो सबसे पहले तो आपको 15.6 इंचेस की एक फुल HD डिस्प्ले मिलती है, जो कि आपको 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट देती है। इंटेल की तरफ से i5 मिल जाता है 10th जनरेशन वाला, जो कि आपको परफॉर्मेंस काफी बेस्ट दे देता है। इसके अलावा 8GB की रैम है, 1TB की स्टोरेज मिल जाती है, साथ में 256GB की एडिशनल SSD स्टोरेज मिल जाती है। यहाँ पे जो इसका ग्राफिक कार्ड है, वो आपको NVIDIA की तरफ से मिल जाता है, GTX 1650 Ti 4GB रैम वाला, जो कि GDDR6 की आपको ग्राफिक्स देता है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ एडिशनल फीचर्स, जैसे कि थर्मल सेंसर्स, Lenovo का खुद का क्यू कंट्रोल 3.0, उसके अलावा यहाँ पे रैपिड चार्ज प्रो मिल जाता है, जहाँ पे आप इसको 30 मिनट के अंदर 50% चार्ज कर पाओगे। Dolby Atmos मिल जाता है, और इसके जो बेजल्स है वो भी काफी कम आते हैं। सो गाइस, लुक वाइज, परफॉर्मेंस वाइज, बिल्ड क्वालिटी वाइज, वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप आता है 80,000 रुपीज के अंदर। अगर आप Lenovo की तरफ से कोई लैपटॉप चाहते हो, देन आप ये वाला लैपटॉप खरीद सकते हो। लिंक मैं ऑलरेडी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल चुका हूँ। नंबर 4, Acer Nitro 5। गाइस, Acer की Nitro सीरीज की तरफ से आने वाला ये लैपटॉप भी काफी बेस्ट है, जो कि आपको 78,700 रुपीज की प्राइस रेंज पर देखने को मिलता है। अभी इस लैपटॉप में आपको i5 प्रोसेसर मिल जाता है 10th जनरेशन वाला, 15.6 इंचेस की एक फुल HD डिस्प्ले मिलती है, जो कि 144 हर्ट्ज की आपको रिफ्रेश रेट दे देती है।
इसके अलावा 8GB की रैम, 1TB की स्टोरेज प्लस 256GB की एडिशनल SSD स्टोरेज मिल जाती है और GTX 1650 Ti की ग्राफिक्स मिल जाती है 4GB रैम और GDDR6 वाली। सो गाइस गेमिंग के लिए 80,000 रुपीज में एसर की तरफ से ये लैपटॉप भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस आपको दे देगा। ऑब्वियसली यहाँ पे आपको 10th जनरेशन का इंटेल का प्रोसेसर मिल रहा है और एसर का लैपटॉप है तो यहाँ पे आपको बैटरी बैकअप भी बाकी लैपटॉप्स के मुकाबले ज्यादा मिलता है। एसर की तरफ से आने वाले इस लैपटॉप का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहाँ से डायरेक्टली जाके आप इसको परचेस कर पाओगे। नंबर 5 HP Pavilion Gaming। गाइस HP की तरफ से आने वाला ये लैपटॉप भी काफी कमाल लैपटॉप है। यहाँ पे बात करूँ इसके प्राइस की तो ये 78,700 रुपीज के प्राइस रेंज पर आता है। यहाँ पे इस लैपटॉप में सबसे पहले तो आपको 16.1 इंच की फुल HD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है जो कि बाकी लैपटॉप में आपको 15.6 मिलती है। थोड़ी सी डिस्प्ले इन्होंने बढ़ा दी है। बाकी यहाँ पे 8GB की रैम है, 1TB की स्टोरेज प्लस 256GB की SSD स्टोरेज मिल जाती है। उसके अलावा यहाँ पे आपको GTX का 1650 4GB VRAM वाला ग्राफिक कार्ड मिल जाता है। यहाँ पे गौर करना 1650 ही मिलता है, आपको 1650 Ti नहीं मिलता है। तो ग्राफिक्स के मुकाबले बाकी लैपटॉप से ये पीछे रह जाता है बट यहाँ पे डिस्प्ले साइज आपको थोड़ा सा बड़ा मिल जाता है। बाकी बैकलाइट LED कीबोर्ड मिलता है, बाकी सारी चीजें आपको सेम मिलती है बाकी लैपटॉप्स की ही तरह। सो गाइस अगर आप कोई गेमिंग लैपटॉप चाहते हो HP की तरफ से देन आप ये वाला खरीद सकते हो। लुक वाइज भी अगर देखो तो बाकी लैपटॉप से डिफरेंट आता है। सो गाइस लिंक मैंने इस लैपटॉप का भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जाके आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी गाइस कैसी लगी ये वीडियो बताना नीचे कॉमेंट्स में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कर दो। नीचे कॉमेंट्स में ये भी बताना कि इनमें से आप कौन सा लैपटॉप ऑलरेडी ले चुके हो या इनमें से आप कौन सा लैपटॉप लेने वाले हो। इससे थोड़ी बहुत आपकी हेल्प होती है, थोड़ी बहुत हेल्प हमारी भी हो जाती है। बाकी गाइस अगर आप चाहते हो मैं किसी और प्राइस रेंज पे वीडियो बनाऊं तो वो भी आप नीचे कमेंट कर देना। जो भी आपकी वीडियो का टॉपिक है हम जरूर उसको कवर करेंगे अपनी वीडियोस के अंदर। और गाइस मैं मिलूंगा आपसे जल्दी ही किसी नई वीडियो में किसी नए गैजेट के साथ में।